साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी पे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू गुलदस्ता अपनी ज़बान जमात 8वीं के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसकी फहरिस्त ये है कि इसके अंदर हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे, उर्दू कवायद में क्या क्या पढ़ेंगे और उर्दू गुलदस्ता में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले रहबर अपनी ज़बान 8वीं जमात के लिए। सबक नंबर 1 है माँ का ख्वाब। तो देखते हैं, बहुत से बच्चे से ख्वाब पढ़ते हैं लेकिन ये सही है ख्वाब, क्योंकि जब भी किसी हर्फ से पहले वाव वाव किसी हर्फ से पहले आ जाता है तो वो खा उसमें वाव का साउंड साइलेंट रहता है, खामोश रहती है आवाज़। तो माँ का ख्वाब है, मैं सोई जो एक शब, तो देखा ये ख्वाब बड़ा और जिससे मेरा इस्तराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दस्त से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, जमुरुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वे चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाने खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता ना था, दिया उसके हाथ में जलता ना था। कहा मैंने पहचान के मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज अशकों के बार। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा बेचुताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वह कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर देख कर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने भुजाया इसे। अल्लामा इकबाल की नज़म है ये, बहुत ही बढ़िया नज़म है और इसके अल्फाज मानी ये हैं, तशरीह की अभी करेंगे। शब कहते हैं रात को, लरजना कापना, स्याही कालापन अंधेरा, मुहाल मुश्किल रवा चलते हुए पिसर बेटा। जमुरुद सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम, पेचताब खाना मुहावरा, दिल ही दिल में गुस्सा से घुटना बेकरार होना। इस तरह बेचैनी राह रास्ता, दहशत खौफ डर हौसला हिम्मत, जमुरुद सी पोशाक हरा लिबास, जमात ग्रुप। तो इसकी ये तशरीह आप यहाँ देख सकते हैं और ये इसकी तशरीह मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने आप से भी बना सकते हैं। इस सबक के अंदर, इस नज़्म के अंदर यही बताया गया है कि जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपके रहनुमाई कर रहे हैं, गार्जियंस हैं, उनको जो है कभी भी रोना और इस तरह से नहीं होना चाहिए, उससे बच्चे की हौसला अफजाई टूटती है। हमेशा उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। अगर आप ही जो है हौसला तोड़ देंगे तो बच्चा ऑलरेडी, खुद भी बच्चा भी जो है हौसले से हौसला छोड़ देगा करने का किसी चीज़ को। तो ये आप देख सकते हैं, तशरीह मैंने यहाँ पे कर दी है। ये तशरीह लिखी हुई आप वैसे खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी एक उसके लिए आपके आसानी के लिए मैं यहाँ आपको तशरीह दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे तशरीह देख सकते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ तशरीह लिखी हुई है और मरकजी ख्याल इसका यहाँ पे है, दो लाइन का। इस नज़्म में ये बात पूछी था, माँ बाप के रोने धोने से बच्चे के हौसले पस्त हो जाता है और उसे आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। तो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद इसके जो है अल्फा वो सवाल जवाब है। ख्वाब में माँ ने अपने बच्चों के साल में देखा, ख्वाब में माँ ने खुद को ऐसी अंधेरी जगह पर देखती है, रिश्ता तलाश करना बहुत दुश्वार है। माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा, माँ ने आगे बढ़कर जमुरी थी पोशाक पर लड़कों को एक कतार देखी। माँ ने अपने बेटे को हाल में पाया, किस हाल में पाया, माँ ने अपने बेटे को बुझे हुए दिए के साथ लड़कों की कतार में दूसरे लड़कों से पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ देखा। माँ की बेकरारी का सबब क्या है, माँ की बेकरारी का सबब उसके बेटे का बुझा हुआ दिया है। लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था, माँ के आंसुओं की वजह से लड़के के हाथ का दिया नहीं जल रहा था। इसके बाद जो ये जुमले हैं,
यहाँ पे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। इस्तराब होता है ख्वाब को देखकर माँ का इस्तराब बढ़ गया। अब ये लफ्ज़ जो है उसके अंदर आना चाहिए और एक जुमला बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने तरीका बता रखा है कि किस तरह हो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना और एक मानी खेज जुमला बनाना है। इन लफ्ज़ों के आपको मुतजाद लिखने, यानी अपोजिट, वफा बेवफा, जुदाई मिलन, दूर पास, भलाई बुराई, बेकरार करार, जवाब सवाल। इस नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं यहाँ से देख के आप, ठीक है। और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो खुद भी आप जो है यहाँ से देख के लिख सकते हैं और अपने पास से भी लिख सकते हैं। ये अल्फाज पढ़िए और लिखिए। ये अल्फाज किसी काम करने वाले को जाहिर कर रहे हैं, इसे इसमें फेल कहते हैं। पांच इसमें फेल वाला के साथ बनाए। इसमें फाइल वाला के साथ, कहना कहने वाला, लिखना लिखने वाला, बताना बताने वाला, मारना मारने वाला और हटाना हटाने वाला। तो यहाँ पे ये सबक पूरा हो गया और इसकी PDF भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वाला हमने यहाँ पे सबक पूरा कर लिया।